जय गुरुदेव, जय महर्षि। आज हम क्लास 10th का एक सवाल ले रहे हैं जो पेज 70 पर एनसीईआरटी बुक में दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 और ई का हम सॉल्यूशंस ले रहे हैं। सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल बाय ग्राफिकल मेथड। हम ग्राफिकल मेथड से इन दो दो फंक्शन है, हम दो इक्वेशन है, 2x + 5y = 9 और 2x - 3y = 1। इन लोग इन दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पर ग्राफ के मेथड से यहाँ पर सॉल्व करेंगे, उनका आंसर निकालेंगे जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे जो दोनों को सेटिस्फाई करें। ये हमने एक इक्वेश पॉइंट लिया ए, जो मतलब हमने एक्चुअली क्या किया, 5y = 9 - 2x किया, फिर y = 9 - 2x/5 करके ये ऐसी वैल्यू सेलेक्ट रखी हमने, कोई सूटेबल वैल्यू, -3 रखी x की वैल्यू तो y की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ दोनों एक्स वाई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे तो यह इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। -3 तो यह 2 - 3 तो -6 हो गए, और 5 * 3 = 15, तो 15 - 6 = 9 ये सेटिस्फाई कर। इसी तरह 7 1 ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई, 7 2 = 14 और -5 1 है तो 1 * y की वैल्यू -1 रखें तो यह हो जाएगा 14 - 5 = 9। इसी तरह से हमारे सी पॉइंट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे और डी पॉइंट इसको, तो हमने वही y के टर्म में इस इक्वेशन को लिख लिया, इस इक्वेशन को y के टर्म में लिख लिया। टेबल बनाते हैं, एक्स वाई की वैल्यू हम सूटेबल वैल्यू सिलेक्ट करते हैं, एक्स की वैल्यू सिलेक्ट करते हैं और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। वो टेबल बनाना आपको आता होगा, यहाँ अधिक समय नहीं दे ले रहा हूँ, मैं जस्ट रिवीजन कर रहा हूँ। और इस मेथड से हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं और ये ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो आपको क्या होगा, ड्रा करने में ये करने और करके पेपर का ये होगा, मगर एग्ज़ाम में आपको बनाना ही। मैं यहाँ सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए और टीचर के लिए स्पेशली ये टूल हो जाएगा, जिसे हम बार बार टीचर चाहे तो उपयोग में ला सकता है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा ये जो इक्वेशन के हमने दोनों को ग्राफ ड्रा किया, ये रेड में दिया एफ, ये एफ से डिनोट हो रहा है, स्मॉल एफ से, तो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है इस इक्वेशन को, 2x + 5y = 9 और ये 2x - 3y = 1 ये ब्लू लाइन है, ब्लू में है या ब्लू में, हमने आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए हमने ये इस तरह से कलर का सिलेक्शन किया है। अब ये दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट कर रही, दैट विल द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज पी हियर, और पी के कोऑर्डिनेट क्या, 2 1 है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, x = 2 and y = 1। ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वही हमारा टू लाइंस विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट आर एट इन्फिनिटी पॉइंट, इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट आर नेवर इंटरसेक्ट, मीन्स दे विल बी पैरेलल। इन दिस केस दिस टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, सो दिस आवर कंडीशन इज सेटिस्फाइंग एंड वी आर गेटिंग द वैल्यू। इंटरसेक्ट हो रहा है तो हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, तो ये यूनिक सॉल्यूशन x = 2 and y = 1 हमारी वैल्यू आ गई। और इस तरह से हमने इसको इस सॉफ्टवेयर की मदद से, जियोजेब्रा के सॉफ्टवेयर की मदद से हम इसको ग्राफ को इजीली ड्रा कर सकते हैं। यहाँ इनपुट बॉक्स है,
इसमें एक इनपुट बॉक्स नीचे दिया रहता है जो आपके स्क्रीन पर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि हमने उसको हटा दिया था। तो उस इनपुट बॉक्स में अगर हम ये लिखेंगे, ये ऐसा टाइप करेंगे, जो भी इक्वेशन है उसके सामने जो भी नाम देना है, ये स्मॉल ए देना तो स्मॉल ए, एच देना तो एच दे एच, ये ऐसे कोलन लगाएंगे, टू जो भी इक्वेशन है इस फॉर्म में हम उसको लिखेंगे। हाँ, और ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में, इस फॉर्म में हम यहाँ इनपुट बॉक्स में रख देंगे तो ऑटोमेटिक ये लाइन आ जाएगी। ये कोऑर्डिनेट हमने दो पॉइंट ए और बी आपको समझाने के लिए सेलेक्ट किया है, सुटेबल पॉइंट। यहाँ पर भी हमने ये ड्रा कर ली थी लाइन इस फंक्शन को डाल के, तो ये लाइन आ गई थी हमारी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी आ गया था, और हमने ये सुटेबल पॉइंट फिर जहाँ से लाइन पास हो रही उन पॉइंट को आपका सेलेक्ट कर लिया है, ताकि आपको हम बता सकें कि भाई ये वैल्यूज़ हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे पहले और फिर उसके बाद में आंसर निकालें। तो आंसर में यहाँ लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू सॉल्यूशन ऑफ दिस टू साइमल्टेनियस इक्वेशन, एक्स इज इक्वल टू टू एंड वाई इज इक्वल टू वन। जब एक्स की वैल्यू टू रखी जाए और वाई की वैल्यू वन रखी जाए, तब ये दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होंगे। इसलिए हमारा ये कहता है, आपको आशा है समझ में आई होगी, ये क्लास टेंथ का प्रॉब्लम है, इस तरह के बहुत सारे हैं प्रॉब्लम, आप करके देखिए। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो अक्सर हर एग्ज़ाम में, मतलब जो भी एग्ज़ाम में अगर ये सिलेबस में है तो एक क्वेश्चन हर साल ही आता है ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने का जनरली। तो आप इसको अच्छे से करिए, और चार पांच नंबर का क्वेश्चन होता है, आप उसको ये और सुंदर से बनाइए, और इसमें जो बच्चे स्लो लर्नर है वे भी इसमें अच्छे अंक लाते हैं, ऐसा मैंने देखा है, अगर वो अच्छे से समझ जाए तो ग्राफिकल मेथड में अच्छे सॉल्व करके वो कर सकते हैं। आपको इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, और आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और बेल आइकन दबाना न भूलें। जय गुरुदेव, जय महर्षि।